इंतजार खत्म। सीबीएसई ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। इस जोन ने किया सबसे अच्छा प्रदर्शन। आखिर क्यों इस बार नहीं जारी हुई मेरिट लिस्ट? किसने किया है टॉप? हर सवाल का मिल गया जवाब। लड़कियों का रिकॉर्ड हुआ और भी बेहतर। पिछड़ गए लड़के, देखिए कैसा रहा इस बार का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के 12वीं के छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया है। बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार कुल 87.33% छात्र पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। सीबीएसई के मुताबिक इस बार 90.68% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों का आंकड़ा 84.67% रहा। वहीं पिछले साल 91.25% लड़के और 94% लड़कियां पास हुई थी। इस बार त्रिवेंद्रम जोन से सबसे शानदार प्रदर्शन सामने आया है, जहां 99.91 छात्र पास हुए हैं। आइए ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि किस जोन का रिजल्ट कैसा रहा, किस जोन में कितना प्रतिशत रहा रिजल्ट। दिल्ली ईस्ट 91.5%, अजमेर 89.27%, पुणे 87.28%, बेंगलुरु 98.64%, चेन्नई 97.40%, दिल्ली वेस्ट 93.24%, चंडीगढ़ 91.84%, पंचकूला 86.93%, पटना 85.47%। इस बार बोर्ड ने रिजल्ट को लेकर एक बड़ा फैसला किया था, जिसके तहत मेरिट लिस्ट नहीं जारी की गई। अधिकारियों के मुताबिक छात्रों में अनहेल्दी कंपटीशन रोकने के लिए ये फैसला किया गया है। इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले डिवीजन को भी पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। बोर्ड के मुताबिक 6.80% छात्रों ने 90% या फिर उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। बोर्ड ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं नवोदय विद्यालय ने फिर कीर्तिमान रचा है। बोर्ड के मुताबिक उसके शामिल सभी बच्चों में से 97% से ज्यादा बच्चों ने परीक्षा पास कर ली है। सीबीएसई ने 10वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 21 मार्च तक आयोजित की थी। वहीं 12वीं परीक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 के बीच आयोजित की गई थी। इस साल 2023 में परीक्षा के लिए कुल 38,87,710 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 10वीं कक्षा में 21,86,940 और 12वीं कक्षा में 16,96,770 छात्र थे। आपको बता दें कि स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वे अपने सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट को डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं या सीधे पोर्टल पर ही विजिट कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट 2023 की घोषणा के बाद सचिव संजय भारद्वाज ने कहा कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब 17 लाख परीक्षार्थी पास हुए थे। रिजल्ट का प्रतिशत पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। लड़कियों ने फिर से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लड़कियों में 90 से अधिक पास प्रतिशत दर्ज किया गया है। यदि कोई छात्र 5 में से एक विषय में 33% से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो जुलाई में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि गाजियाबाद की छात्रा आस्था मिश्रा ने 99.4% अंक हासिल कर सफलता दर्ज की है। अगर यूपी की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिला सबसे आगे बताया जा रहा है। सीबीएसई 12वीं में गौतम बुद्ध नगर का परिणाम 87.33% रहा। जिले में 18,476 छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी थी। 16,136 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। नोएडा क्षेत्र का परिणाम 80.36% रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।